नई दिल्ली, जागरण स्पेशल। कोरोना वायरस के कारण दुनिया के बहुत से देशों से लगातार मौतों की खबर आ रही है, लेकिन कई देशों को लेकर यह आरोप लग रहा है कि वो मामलों की संख्या को कम करके दिखा रहे हैं। कई देशों में कोरोना के कारण कितनी मौतें हुई हैं, इसे लेकर जानकारियां भी सामने आ रही हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह कितनी सही है। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इसका पता लगाने के लिए जुटी हुई हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने संक्रमण के मामलों की वास्तविक संख्या को लेकर चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों के खिलाफ सवाल उठाया है। उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया में स्वास्थ्य को लेकर दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे कम खर्च किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक वायरस से जुड़ा एक भी मामला सामने नहीं आया है। अमेरिका के पूर्व नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जेम्स क्लेपर के अनुसार, ज्यादातर जानकारी नेशनल सेंटर फॉर मेडिकल इंटेलिजेंस के जरिए आ रही है। कोरोना वायरस किसी देश को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका सटीक चित्र देखने के लिए खुफिया विश्लेषण विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है। इनमें सबसे मुख्य है ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीर।